इस उत्तर प्रदेश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, पर्यटन मंत्री नहीं है। पर्यटन मंत्री कब दूसरे के साथ पर्यटन कर लेंगे पता ही नहीं आपको, पहले भी पर्यटन कर चुके हैं वो, अगर याद हो आपको, तब आप नौकरी में नहीं रहे होगे। और वो पर्यटन कब करेंगे, मैनपुरी से पर्यटन मंत्री ने समाजवादी पार्टी को जिताया, तो मैं होश ही नहीं है कहीं, अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी से मिला हुआ था पर्यटन मंत्री। क्या दुनिया ने ये नहीं देखा होगा कि एक पिता अपनी पत्नी और अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। और मैं इसी से जोड़ देता हूं आपको, एक और जोड़ देता हूं मैं बात को, कन्नौज में एक समाजवादी परिवार को इतना सताया, इतना परेशान किया कि अंततः झगड़ा हो गया, एक की जान चली गई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। ये बीजेपी वाले आरोप लगाते थे कि यादव है तो भेदभाव करते हैं हम लोग मदद में। अभी कानपुर में क्या मदद की आपने, जो कस्टोडियल डेथ हुई उसकी क्या मदद की आपने, वरुण के परिवार की, क्या पत्नी को सरकारी नौकरी दे दी, क्या आपके विधायक आपके सांसद ने क्या कहा? अभी रिपोर्ट भी नहीं आई सर। नहीं, वो धाराएं बदल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, धाराएं बदलने की तैयारी है। इसी तरह मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने मैनपुरी में शराब पी करके एक मजदूर को मार दिया, 302 की जगह 304 कर दिया। यह भी तैयारी चल रही है आपके बलवंत वाले केस में, पुलिस के लोग पैसा लेकर के घूम रहे हैं उसके परिवार से मिलने के लिए। इसलिए सच्चाई आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो बात आपने कही है। आखिरकार वो परिस्थितियां किसने पैदा की, वो परिस्थितियां कौन पैदा कर रहा है, जड़ में कौन है, कहां पहुंच गया? तो गलत हो गया ना। नहीं नहीं पाकिस्तान नहीं, तुम गलती कर रहे हो भाई, जो आप बात ही नहीं समझ रहे हो। इसके बाद हमारा लास्ट सवाल है इनका, मैं ये चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को फिनलैंड भेज दिया जाए, तो कम से कम वो नीचे आ जाएगा, हम ऊपर हो जाएंगे। सिंपल बात है।